गंदी वेबसाइट को कैसे ब्लॉक करें, हाउ टू ब्लॉक बैड वेबसाइट। क्या गाइस आप लोग भी अपने गूगल क्रोम या गूगल से भाई यहाँ पे बैड वेबसाइट यानी कि गंदी वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हो? आपकी कोई भी फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम है जिससे आप अपने मोबाइल फोन से बहुत ज्यादा परेशान हो, कुछ SMS आपको ऐसे आते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर या आपके गूगल क्रोम में या गूगल पे जिनको आप ब्लॉक करना चाहते हो, जिन वेबसाइट को आप ब्लॉक करना चाहते हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उनको ब्लॉक कर सकते हो जो आपके जो गूगल क्रोम में गूगल पे बैड वेबसाइट आती है यानी कि गंदी वेबसाइट आती है, आप उनको ब्लॉक करना चाहते हो परमानेंटली अपने मोबाइल फोन पे। और गाइस कभी भी आपके जो फोन में ना आए वो वेबसाइट जो आप देखते हो या भाई उनको आप ब्लॉक करना चाहते हो परमानेंटली, तो आज की वीडियो को जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा, चाहे इस वीडियो को 2023 में देख रहे हो, 24 में देख रहे हो, बस इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो वेबसाइट है गंदी वेबसाइट बैड वेबसाइट वो ब्लॉक हो जाएगी हमेशा के लिए। तो चलिए गाइस वो ट्रिक वो मेथड आपको बता देते हैं गूगल क्रोम में भी और गूगल पे भी कैसे ब्लॉक करोगे सारी की सारी साइट्स। पहले आपको वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखो आपको अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ जाना है, जैसे कि आप लाइव प्रूफ यहाँ पे साइड में देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं गूगल क्रोम से आपको वो बताऊंगा कि कैसे आपको ब्लॉक करना है साइट को, जितनी भी साइट है पेड वेबसाइट यानी कि गंदी वेबसाइट जो होती है जिनसे आप परेशान हो, और गूगल से भी बताऊंगा, ठीक है, यानी कि दोनों पे आपको बताऊंगा कि कैसे आप ब्लॉक करोगे। तो सबसे पहले मैं गूगल क्रोम से यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, तो गूगल क्रोम से आपको कैसे साइट को ब्लॉक करना है, वो कैसी भी साइट हो जो भी आप ओपन कर रहे हो उसको कैसे ब्लॉक करना है जो गंदी वेबसाइट होती है बैड वेबसाइट होती है, तो इसके लिए देखो अपना गूगल क्रोम एप्लीकेशन आपको ओपन करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग का, ठीक है, ये सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो आपकी जो ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगी, नीचे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको कहाँ पे आना है, ठीक है, ये देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, यानी कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, सेफ ब्राउजिंग का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे सेफ ब्राउजिंग पर आपको क्लिक करना है और इसको आपको जो ऑन कर लेना है, ठीक है, इनेबलिड प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन इसको ऑन कर लेना। उसके बाद देखो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज सीक्रेट DNS, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो आपके सामने दो सेटिंग आएगी, दो ऑप्शन आएंगे, चूज अनदर प्रोवाइडर, और यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, यानी कि चूज अनदर प्रोवाइडर पर, और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे DNS कोड मिलेंगे, गूगल प्लस DNS कोड, क्लोरिफाइड ओपन DNS, यहाँ पे आपको क्लीनिंग ब्राउजरिंग फैमिली फिल्टर आपको चूज करना है, यानी कि फैमिली के रिलेटेड है, कोई भी अगर फैमिली का बंदा या कोई भी फैमिली से रिलेटेड आपका जो गूगल क्रोम यूज करेगा तो वो साइड यानी कि आपको बिल्कुल भी दूसरे को शो नहीं होगी, वो ब्लॉक हो जाएगी हमेशा के लिए अगर गूगल क्रोम में आपको कोई भी सर्च करेगा कैसी भी वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली फिल्टर पे आप चूज कर देना है, यहाँ पे इसको बैक कर देना है, तो ये सेटिंग आपको अपने गूगल क्रोम के ऊपर ऑन कर देनी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका काम बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे गूगल पे बताऊंगा कि गूगल पे आप कैसे कर सकते हो, गूगल पे भी आप अपनी जो बैड वेबसाइट यानी गंदी वेबसाइट ब्लॉक कैसे कर सकते हो, तो गूगल को भी आपको ओपन करना है। गूगल का जो इंटरफेस है वो आपके सामने इस तरह से आएगा, तो आपको अपनी जो प्रोफाइल है इसके ऊपर क्लिक करना है, देख सकते हो आपकी प्रोफाइल देखने को मिल रही है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो आपके सामने ऑप्शन आएगा सेटिंग्स का, ठीक है, सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखो आपके सामने ऑप्शन आएगा जर्नल, नोटिफिकेशन, सेफ सर्च, पर्सनल, या बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखो सेफ सर्च का, ठीक है, इस सेफ सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे इस तरह से लोडिंग होगा, ठीक है, ये आपका इस तरह से ऑफ हो रखा होगा, सो रिलेटेड रीजन, ये देखो एक्सपेलेटेड, तो आपको इसको क्या करना है, देखो नीचे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, ये देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको ब्लर देखने को मिलेगा, फिल्टर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हेल्प फिल्टर, वेबसाइट इमेज एंड टेक्स्ट एंड लिंक्स, ठीक है, आपको उसको फिल्टर पे चूज कर देना है। फिल्टर पे आप चूज कर दोगे तो आपकी जितनी भी साइट है बेड वेबसाइट है वो यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, और अगर आप ब्लॉक करना चाहते हो तो ब्लर भी कर सकते हो, अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ आपकी नहीं होगी, आपकी सेटिंग ऑफ होगी, तो यहाँ से आपको बैड वेबसाइट यानी गंदी वेबसाइट को ऑफ करने के लिए फिल्टर पे क्लिक कर देना है। ये दोनों सेटिंग आप अपने गूगल क्रोम हो गया और गूगल में इजीली अप्लाई कर सकते हो, और आपकी जो गंदी वेबसाइट होती है यानी कि बैड वेबसाइट होती है आप इजीली उनको ब्लॉक कर सकते हो और आपको कोई भी वेबसाइट शो नहीं होगी आपके गूगल क्रोम में भी गूगल में भी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रिक आपको अप्लाई करने जो मैंने आपको बताई है, चाहे इस वीडियो को 2023 में देख रहे हो, 24 में देख रहे हो, जितनी भी आपकी जो है भाई वेबसाइट है, प्रोन वेबसाइट हो गया, कोई भी वेबसाइट हो गया, आप इजीली ब्लॉक कर सकते हो गंदी से गंदी वेबसाइट जो मैंने आपको बताई है। ये सेफ मेथड है, बिल्कुल ईजिली है, और इससे आपका कोई भी फोन में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। मेरे भाई आप जो है साइट को ब्लॉक कर सकते हो, किसी भी साइट को ब्लॉक कर सकते हो, अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉक हो चुकी है जो भी गंदी बैड वेबसाइट थी, तो मेक श्योर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय मेरे दोस्तों यहाँ पे।